कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी ने घर के भीतर आग लगाकर जान दे दी। लड़कों की हरकतों से तंग आकर किशोरी ने आत्मघाती कदम उठाया। परिवार वालों को इसकी जानकारी सुबह हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्वजनों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में ले लिया। परिवार के लोगों ने गांव के ही दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस 306, 354 और पॉस्को का केस दर्ज कर पुलिस दोनों आरोपितों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक किशोरी की मां के अनुसार उसकी बेटी मंगलवार की शाम खेत की तरफ गई थी। आरोप है कि इस बीच गांव के ही दो युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग उधर पहुंचते। इससे पहले दोनों युवक धमकी देते हुए भाग निकले। घर पहुंचे किशोरी ने परिवार के लोगों को आपबीती सुनाई। परिजन ने बेटी को आश्वासन दिया कि वो आरोपित लड़कों के परिवार और थाने में शिकायत करेंगे। किशोरी की मां ने बताया कि सुबह जब किशोरी अपने कमरे से करीब 9 बजे तक बाहर नहीं निकली तो उन्होंने आवाज लगाई, लेकिन बेटी ने कोई आवाज नहीं दी, जिससे वो सशंकित हो गए। अंदर से दरवाजा बंद था। शोर सुनकर वहां ग्रामीण भी पहुंच गए। लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जाने पर किशोरी की अधजली लाश पड़ी मिली। लड़का, दो लड़का आज के कोही के खेत में उसकी इज्जत लूटा, खूब इज्जती किया। हमारी लड़की आके सो गई घर में, हमारे डरन की मारा हमसे न बताए। अभियान भी बम्बा पर पानी के गई ले तो वही लड़का तो का कहते जहाँ बुलाओ भाई है कि ना ही है, अरे तोर फोटो कमरा करे हैं नौका हम सबका दिखा दे भाई तोर भी इज्जती हो जाए। तो रोवत रोवत हमरे लगे आई लड़की थी, तो कहे इसकी अम्मा इन तरह वो बोला थे कल संजय के हमरे साथ इन तरह करी नहीं, हम तुम्हारे डर के मारा नहीं बताओ महतारी, आज हमको इन तरह फिर बम्बा पर बोला थे। तो हम कहा ठीक है, थे रोना हम चाचा हन का दादा हन का बुलाई थी, और दादा चाचा हन का बुला के हम चले गए उधर। कहाँ चलो सारे के उधर चलो, उनको बुलाइए कुछ मत कैसे गलत रास्ता हमारे साथ लड़की के साथ किए। तो हम कहा हमसे मान लड़की बताए हमहूँ चले गए, जब हुआ से चले गए हमहूँ उनके पीछे पीछे। मान लड़की आके जहाँ मारे क्रोध की मारा जा जैसे आग लगा दिया, सिटकिंडी तक लिया भितरे के मट्टी तेल छिड़ी की आग लगा के पर गाँव के लोगन कहा तुम इधर हो जाके देखो तुम्हारे घर में धुआं बहुत जोर हो रहे। हमारी लड़की से हम मर गई। पुलिस कोई मदद नहीं कर रही क्या आपकी? आए पुलिस एक युवती ने आत्मदाह करने की सूचना मिली थी और इस सूचना पे उसका पोस्टमार्टम करा लिया गया है। और अभी गांव वालों को कुछ इश्यूज थे कि शव के दाह संस्कार के लिए, शवदाह संस्कार के लिए भेजा जा चुका है और जो भी का आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। घर वालों का आरोप है कि युवती साथ गैंगरेप हुआ है। घर वालों ने जो भी आरोप लगाया है उस पर हम लोग विवेचना करेंगे और जो भी सही होगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सर क्या गिरफ्तारी भी हुई है किसी? हाँ, दो व्यक्तियों के इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल भेजा जा रहा है। कोई कार्रवाई भी हुई है? पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। इसमें जो मामले में कोई शीतलता बरती गई है तो इसकी जाँच कराई जाएगी।